बिछाने पर 15 कलेक्टर, एसपी चुनाव में पक्षपात, यहां पे पूर्ण कार्रवाई करने का आरोप है। और चुनाव आयोग से ऑफिसर्स की शिकायत की गई, अब तक 10 कलेक्टर और 5 एसपी की शिकायत की गई है। भिंड और नरसिंहपुर कलेक्टर से दोनों पार्टी नाराज है। कांग्रेस ने मुरैना, दतिया, जबलपुर एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। 6 कलेक्टर और 4 एसपी के खिलाफ वोटिंग से पहले ही दो पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई थी। जो अधिकारी, जो एसपी कलेक्टर भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कलेक्टर कहे, पन्ना कलेक्टर बोलते हैं कि 25 साल भाजपा की सरकार रहना चाहिए, तो इससे साबित होता है कि वो भाजपा के एजेंट हैं। और आपने हाल ही में देखा राजनगर में जिस तरह से हमारे एक वरिष्ठ विधायक नाती राजा को मारने का प्रयास किया गया, उनके साथ ही हमारे पार्षद सलमान खान पर गाड़ियां चढ़ा दी गई भाजपा प्रत्याशी के द्वारा, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी थाने पर धरना देते रहे, रात भर वहां सोते रहे, वहां धरना देकर उसके बावजूद वहां पर कार्रवाई नहीं हुई और एसपी ने संज्ञान तक नहीं लिया। ये बताता है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारी सिर्फ एक दल एक सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जनहित के लिए नहीं कर रहे हैं। टारगेट हम किसी को नहीं कर रहे, हमने एक अपशब्द अपमानजनक टिप्पणी नहीं कही। अगर कोई नियम कानून का उल्लंघन हुआ है तो बाकायदा लिखित में दिया है। हमने कोई सूचियां नहीं बनवाई, हमने कोई संविधान से ऊपर जाकर किसी प्रकार की बात नहीं कही। ये तो कार्यालय में बैठ के सूचियां बनवा कर बदला लेने की मानसिकता से ग्रसित है कांग्रेस, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ, किसी कर्मचारी अधिकारी ने नियम कानून के साथ में अवहेलना की है, भैया ये कलेक्टर हो या कमिश्नर हो या एसपी हो या कोई दूसरे अधिकारी हो, उनको भी उसी नियम कानून से चलना होता है जिससे बाकी लोगों को, तो ये ऊपर नहीं है। अगर किसी ने तोड़ा है तो उसकी शिकायत हमने की है, इससे कहीं